जी मैं इस वक्त रॉ मोहम्मद सदीक ग्रुप के डेरे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इनके हुकूमत की वजह से लोग तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। यहीं पर अब मकामी सतह पर भी लोग तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर कमाल फरीद ग्रुप की जो एक अहम विकेट है वो गिरने जा रही है। आइए उनसे बात करते हैं। मैं ऐलान करता हूँ रॉ सदीक के ग्रुप में मैं हाज़िर हो गया, शामिल हो गया। कमाल फरीद ग्रुप से अलहदगी इस्तेमाल करी और इंशाल्लाह ताला इस ग्रुप के साथ हम रहेंगे। रॉ साहब के ग्रुप में, रॉ हकम साहब के ग्रुप में हम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से दुख सुख में हर वक्त साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे चाचा सूफ़ी मोहम्मद नवाब शाह साहब, जिन्होंने हमारे सर पे शफकत का हाथ रखा है और हमें अपने बच्चा होने का और अपने बुज़ुर्ग होने का हमें यकीन दिलाया है। हमें बड़ी खुशी है कि हम इंशाल्लाह अपने बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में अपने रॉ मोहम्मद सदीक ग्रुप के लिए इंशाल्लाह दिन रात गोशा रहेंगे और शहर के लोगों को एक ऐसा माहौल देंगे जिसमें शरीफ लोगों की इज़्ज़त महफूज हो और चोर डकैतियों का जो सिलसिला शुरू हुआ इंशाल्लाह इसका खात्मा होगा और बेरोज़गार नौजवानों के लिए इंशाल्लाह हम रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। और हमें चाचा सूफ़ी नवाब साहब हमारे साथ पहले भी हमारे वालिद साहब के साथ ही रहे हैं और हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम इनको अपना बुज़ुर्ग समझ के और इनसे रहनुमाई ले के इंशाल्लाह पूरी बिरादरी के साथ, उन्होंने ऐलान किया है सबके साथ इंशाल्लाह जल्द एक प्रोग्राम भी मतवक्के है, हम इंशाल्लाह उधर प्रोग्राम पे आएंगे, पूरी कौम बिरादरी को इकट्ठा करेंगे। चाचा सूफ़ी नवाब साहब और मोहम्मद असलम भाई मेरे क्लास फेलो हैं, उनसे भी हमें मोहब्बत और शफकत हमेशा हमारी एक दूसरे के साथ रही है। इंशाल्लाह हम रॉ सदीक ग्रुप को कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह और शहर फरीद के लोगों को एक ऐसी क़यादत मयसर होगी जिससे लोग बड़ा मुतमैन होंगे और खुश होंगे।